ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಹಾದೇವ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭವ್ಯ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗ ಅಂತ ತಮಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುದ್ರಣ ಮೀಡಿಯಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ದಲಿತ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದುಃಖ ತಪ್ತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಾಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಿ 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 ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार मेरे साथ उपस्थित महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा जी हमारी साथी ऐश्वर्या जी भव्या जी आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आज की प्रेस वार्ता में आप सब मेरे साथ हैं 10 जनवरी को मैंने भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार की जिम्मेदारी संभाली 10 जनवरी 2024 को पिछले 110 दिनों में मैंने 25 राज्यों के दौरे किए हैं 50 से अधिक नारी न्याय सम्मेलन किए हजारों महिलाओं से देश में मैं मिली हूं लेकिन दुख है दुर्भाग्य है कि हर राज्य में महिलाओं ने अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न बलात्कार सामूहिक बलात्कार की बात कही लेकिन कर्नाटक की धरती पर हासन से जेडी एस के सांसद जो भाजपा के अभी संयुक्त उम्मीदवार हैं प्रज्वल रेवन्ना उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं महिला अपराध के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कांग्रेस पर परिवारवाद कह कह के हमला कर रहे हैं परिवारवाद तीन तीन पीढ़ियां और दूसरा नारा बेटी बचाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इन दोनों नारों की पोल हमारा यहां पर यह परिवारवाद यह है मोदी जी का परिवार ये मोदी जी का परिवार है इसमें भाजपा के विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी उम्र कैद की सजा मोदी जी के परिवार में शामिल है राम दुलारे उत्तर प्रदेश से भाजपा के विधायक नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी उम्र कैद की सजा इसमें मोदी जी के परिवार में शामिल है बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण
यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन चुनावी मैदान में खड़े और बेटियां न्याय मांग रही हैं। और इस मोदी जी के परिवार में गंभीर बलात्कार, इसमें संदीप सिंह भी दिख रहे होंगे, हरियाणा के मिनिस्टर हैं, गंभीर सेक्सुअल हैरासमेंट के आरोप में FIR है, लेकिन एक्शन नहीं है। ये मोदी जी के परिवार में आज ब्रजभूषण शरण, राम दुलारे, संदीप सिंह, ब्रजभूषण शरण के साथ साथ हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना का नाम भी जुड़ गया है। इन्होंने एक बेटी के साथ बलात्कार, सेक्सुअल हरासमेंट किया, लेकिन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक नहीं, 1000 से अधिक हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ गलत काम किया है। परिवारवाद के आरोप कांग्रेस पे लगते हैं, 3-3 पीढ़ियां, यहां देखिए कितनी पीढ़ियां हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके पुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री, नाम आप सब जानते हैं, उनके भाई विधायक है और उनके विधायक भाई का बेटा तीसरी पीढ़ी सांसद है। ये 3 पीढ़ियों का साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और भाषण देते हैं, बेटी बचाओ और परिवारवाद, ये है इनका परिवार और ये है बेटी बचाओ के नारे के दाव और खोखले दावों को खोलते हुए। मैं कल छत्तीसगढ़ में थी, देश के हर कोने में ये जो हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना कांड की चर्चा हो रही है, पूरा देश शर्मसार हो रहा है। हम धन्यवाद करते हैं स्टेट विमेन कमीशन चेयरपर्सन का कि आपने इस मामले को संज्ञान में लिया, मुख्यमंत्री को लिखा, और हम धन्यवाद करते हैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि आपने बिना समय गवाए SIT का गठन कर दिया है। अब हम मुख्यमंत्री जी से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते अपील करते हैं कि इस SIT को फास्ट ट्रैक पे लाया जाए। सुनने में आ रहा है ये अपराध करने वाला देश छोड़कर भाग गया है, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार का रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो आर्थिक अपराधी हो, इकोनॉमिक अपराधी हो, या किसी भी अपराधी को देश छोड़कर भाग जाने में मदद करने में केंद्र की भाजपा सरकार का हमेशा हाथ रहा है। पासपोर्ट जब्त किए जा सकते थे और ये खबर हम लोगों को पिछले हफ्ते ही लगी जब भाजपा के नेता ने, वहां से पूर्व विधायक हैं रहे, पूर्व विधायक देवराजे गौड़ा, उन्होंने पत्र लिखा भाजपा के अपने अध्यक्ष को 8 दिसंबर 2023 को। इस पूरे पत्र की कॉपियां आपको पहले से मिल चुकी हैं, यानी कि इस पूरे मामले की खबर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को थी, JDS से गठबंधन करने से पहले से थी। अमित शाह जी भी यहां पर आए, नड्डा जी भी यहां पर आए, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए और उन्हें सब जानकारी थी इन चीजों की। लेकिन क्या किया आपने? आपने कर्नाटक की हजारों बेटियों के साथ गलत काम जो हुआ है उसके खिलाफ अभी तक आप सब खामोश हैं। प्रधानमंत्री जी, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री हो, वर्तमान प्रेजेंट प्रधानमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो कर्नाटका के, पूर्व विधायक हो, स्मृति ईरानी जी हो, नेशनल वुमेन कमीशन चेयरपर्सन हो, अभी तक किसी एक की भी आवाज इस मामले में सुनाई देते हुए नहीं दिखती। खुशबू सुंदरम जी भी कहां लापता हैं आप? मामला छोटा लगता है आपको, आपको लगता है इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं। स्मृति ईरानी जी महिला बाल विकास मंत्री है ना, नहीं आपको महसूस होता?
किसमें आपको बोलना चाहिए। ये एक और कॉपी है, ये मामला जो है 2 जून 2023 पिछले साल का, तब ये मामला सामने आ चुका था। कहीं ना कहीं डर था, जिन पे आरोप लग रहे हैं गंभीर हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर, कि ये जो वीडियोस हैं ये पब्लिक में आ जाएंगे, इसलिए से रोकने के लिए कि कहीं मीडिया में, पब्लिक डोमेन में अगर ये आ भी जाए, किसी के हाथ लग जाए, तो इसको मीडिया पर, सोशल मीडिया पर फैलाया ना जाए, उसको रोक के लिए ये आदेश कोर्ट से लेकर आए। ये सब चल रहा था, आप पूछेंगे हमारी जानकारी में, लेकिन प्रेस वार्ता की थी देवेगौड़ा जी ने, मुझे मालूम है 10 जनवरी को मैंने शपथ ली थी, तो 11 जनवरी को भाजपा के विधायक देवे राजे गौड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीजों के बारे में भाजपा नेतृत्व को बताया था। लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी लगा कि पार्टी का अंदरूनी कोई बात है, सबूत नहीं है, एक नेता ने प्रेस वार्ता कर दी है, सबूत नहीं थे इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही पता लगा, लगभग 3000 के करीब वीडियो और विक्टिम्स लगभग 1000 है, उसमें गरीब महिलाएं हैं जो मदद लेने के लिए गई, लोकल बॉडीज की चुनी हुई महिलाएं हैं जो सांसद के पास किसी मदद के लिए गई, बुजुर्ग महिलाएं गई, बल्कि आप देखिए हवस या सत्ता का नशा कि उनके दादाजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उनके ताया या चाचा कहूं मालूम नहीं है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर चलकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आते हैं, तो कैसे डर और खौफ होगा। हासन के सांसद जो अभी संयुक्त उम्मीदवार भी हैं, जो देश छोड़कर पता चल रहा है भाग चुके, कैसे डर होगा, क्योंकि इनके समर्थन में देखिए पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और खुद सांसद हैं, खड़े हैं, डर नहीं है। हम अपील करना चाहते हैं, 1000 के करीब वीडियो सामने आए हैं, SIT उसकी जांच करेगी। एक पीड़िता सामने आई है, उसने FIR करवा दी है। हम बाकी पीड़ित विक्टिम्स को अपील करते हैं, जितनी भी विक्टिम्स हैं हम उनकी जानकारी को कानून के मुताबिक SIT हो, स्टेट वुमेन कमीशन हो, पूरी तरह से उनकी जानकारी को सीक्रेट, गुप्त रखा जाएगा। और मैं उन्हें विश्वास दिला रही हूं उनके साथ न्याय होगा, इसलिए मैं अपील करती हूं उन सभी विक्टिम्स से, सामने आइए, आगे आइए, थाने आपके लिए खुले हुए हैं, जाइए अपनी FIR करवाइए, ऑनलाइन FIR करा सकती हैं आप, आपको थाने जाने की जरूरत नहीं, आप 0 FIR करा सकती हैं, देश के किसी कोने में भी वो विक्टिम आज अगर है, जिनकी संख्या 1000 है, आप देश के किसी कोने से 0 FIR कराइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस SIT से देश में महिला अपराध के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है, कैसे तुरंत कार्रवाई होती है, कैसे न्याय मिलता है, और अपराधी पूरी पृथ्वी के भी किसी कोने पर भी जो है छुपा होगा, ये विश्वास दिलाती हूं। मुख्यमंत्री जी सबसे बात हुई है, पूरी ताकत लगा देंगे, गर्दन से पकड़कर जर्मनी में बैठे हों या विश्व के किसी कोने पर बैठे हों, उन्हें यहां पर लाया जाएगा, सख्त से सख्त सजा, क्योंकि यहां पर यह भी सुनने को आ रहा है कि विक्टिम्स को न्याय नहीं मिलते हुए दिखने पर कुछ विक्टिम्स ने सुसाइड करने की कोशिश भी की है। यहां तक खबर है इंटरनल कि हमारी जो नाबालिग बेटियां हैं उनके साथ भी अपराध हुआ है, और अपराधी को भूलना नहीं चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पोक्सो कानून के तहत नाबालिग बेटियों के साथ जघन्य अपराध करने वालों को फांसी की सजा होती।
यह अपने आप में देश का पहला मामला होगा और मुझे इस बात की गर्व होगा कि यह कर्नाटक की सरकार करके दिखाएगी कि अपराधी कितना भी रसूख वाला हो, उसके पीछे कितनी बड़ी सत्ता की ताकत हो। बेटियां आम परिवार से हो लेकिन अपराध हुआ है तो सजा अपराधी को मिलेगी और वो सख्त से सख्त सजा सिटिंग सांसद को हो। ये और भी जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अपराध देश में, मैंने जैसे कहा, 25 राज्य लगभग होकर आ रही हूं। महिलाओं के प्रति अपराध, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अत्याचार बढ़ चुके हैं। न्याय नहीं मिल रहा है भाजपा की खास तौर से डबल इंजन की सरकारों में। कारण क्या है? हमने कारण जानना चाहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार, बेटी बचाओ का नारा, अपराध बढ़ रहा है, न्याय क्यों नहीं है? समझ आया? न्याय इसलिए नहीं है क्योंकि अपराध करने वाला या तो सत्ता में भागीदारी है, या तो वो विधायक है, या वो सांसद है, या वो संदीप सिंह की तरह मंत्री है। या तो अपराधी सत्ता में भागीदारी है और या फिर सत्ता का संरक्षण, प्रोटेक्शन उन्हें मिल रहा है। ये दो कारण है, दो रीजन है जिसकी वजह से न्याय नहीं हो रहा है। मैं यहां पर आपके साथ इंग्लिश की पूरी प्रेस रिलीज, जो मैंने बात हिंदी में की, इंग्लिश की रिलीज दूंगी और हम लोग आपकी क्षेत्रीय भाषा में भी इस बात को रखना चाहते हैं। कारण इसलिए क्योंकि 1000 हमारी जो विक्टिम्स बहने हैं, बेटियां हैं, उन तक हमारी अपील हर भाषा में पहुंच पाए कि अब इंतजार खत्म है आपका और आपकी लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक आपको न्याय का हक नहीं मिल जाता है। हम खुद भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार है यहां पर, बेटियों के लिए जितना कर सकते हैं हम उससे अधिक करने की कोशिश करेंगे। 2000 रुपए आर्थिक मदद देकर महंगाई से लड़ने के लिए उन्हें हम मदद कर रहे हैं। बसों के अंदर सुनने में आया हर महिला के लिए यात्रा पूरी से तरह से मुफ्त की हुई है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं उसके आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ आर्थिक मदद और इसलिए जो सुविधाएं हम दे रहे हैं उसके साथ साथ हम कर्नाटक की धरती को अपनी बेटियों के लिए सुरक्षित भी बना पाए। एक आम अपराधी और एक खास अपराधी, सत्ता में बैठे अपराधी में अंतर होता है। आम अपराधी के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं होती, मामले लंबे चलते हैं पर सजाएं होती हैं, लेकिन खास अपराधी जो सांसद हो, जिसके पीछे पूरी ताकत हो, उसकी लड़ाई को मिलकर लड़ना पड़ता है और हम इसको लड़ेंगे। मैं सिर्फ यही कह रही हूं, प्रधानमंत्री जी देश भर में जाकर बेटियों की बात कर रहे हैं लेकिन कर्नाटक के इस मामले में खामोश हैं। गृह मंत्री जी खामोश हैं, देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी खामोश हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की हम अध्यक्ष से को आमंत्रित करते हैं, आइए आइए हासन, आइए कर्नाटक में, खोजिए उन 1000 बेटियों को, लीजिए उनके बयान और दिलाइए उन्हें न्याय। दुख की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन सांसद के इन करतूतों के बारे में, जघन्य अपराध के बारे में जानकारी थी। भाजपा के पूर्व विधायक हासन से विजेंद्र जी ने इसका विरोध भी किया लेकिन मोदी जी ने सब चीजों को साइड पर रखते हुए उन्हें टिकट दिया। हम देखना चाहते हैं कि आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा जी कुछ बोलते हैं या अपनी चुप्पी से समर्थन करते रहेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे अपील करते हैं, आइए और बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि आप पूरी तरह से अपराध और अपराधी को समर्थन दे रहे हैं। हम पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी जी
बहुत बेटी और महिलाओं के बात करके हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार पर हमला करते हैं, लेकिन इस मामले पर वो पूरी तरह से चुप बैठे हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस इस मुद्दे को देश के कोने कोने तक लेकर जाएगी और भाजपा के बेटी बचाओ के नारे को बेनकाब करेगी। सच तो यही है कि देश के अंदर चुनाव चल रहा है, पहले दूसरे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, थर्ड फेज का इलेक्शन 7 मई को होना है। भाजपा बुरी तरह से हार रही है, खास तौर से दक्षिण भारत भाजपा मुक्त होने जा रहा है। पहले चरण में तमिलनाडु की 40 सीटें हो पांडेचेरी मिलाकर, दूसरे चरण में फेस में केरला की 20 लोकसभाएं हो, या अब तीसरे चरण में कर्नाटक की बाकी सीटों का चुनाव हो, महिलाएं भाजपा के खिलाफ वोट कर रही हैं। हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि कर्नाटक की धरती को सत्ता में बैठे लोगों ने शर्मसार किया है, कर्नाटक की बेटी के गिरेबान में हाथ डाला है। इतना ही नहीं, उनके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, डराया गया और अपना आज हजारों वीडियो सामने आए। 5 साल के सांसद ने क्या काम किए हैं कोई काम नहीं बता पा रहे, लेकिन एक काम है जो कांड के रूप में सामने आया है। महिला कांग्रेस इसे हल्के में नहीं लेगी। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की लगातार नजर हमारी स्टेट वुमेन कमीशन, सरकार से संपर्क में रहते हुए SIT की जांच लगातार आगे बढ़े। हम पल पल की इसकी हर कदम पर रिपोर्ट लेते रहेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि सरकार और विदेश मंत्री को पत्र लिखे, ये हमारा सुझाव है कि मुख्यमंत्री जी विदेश मंत्री को तुरंत पत्र लिखिए कि वो जर्मनी की सरकार को लिखें और तुरंत इस अपराधी को पकड़कर देश वापस भेजने में हमारी मदद करें। अब देखना ये होगा कि विदेश मंत्री इस पत्र के ऊपर कार्रवाई करते हैं या वो भी चुप रह जाते हैं। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ। ये पूरा आंदोलन कर्नाटक की धरती पर तब तक होगा जब तक हर विक्टिम सामने नहीं आ जाती, क्योंकि हमने उनसे अपील कर की है आपके माध्यम से, आइए सामने, हम आपको न्याय दिलाएंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे और हम अपराधी को सलाखों के पीछे भेज के सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द SIT के गठन के बाद देंगे। ये हमारा उन सभी हमारी बहनों को विक्टिम्स को विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। सौम्य रेड्डी और तमन उदेश एक मिनट कनाडा में बात कर लेंगे उसके बाद। यू कम हियर, नो आप इधर बैठिए। हाँ नहीं, उनको फिर इशू, अब यू जस्ट कम हियर, नहीं वो माइक उनके पास है ना। सोमिया जी अपनी बात को रखिए, हम एक फोटो ऑफ कर लें। मोदी का परिवार प्लीज। Thank you.
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಲ್ಕಾ ಲಾಂಬಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪ ಅಮರನಾಥ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಾಯಂದರು ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 50% ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೋಡಿ ದೇವರಾಗೆ ದುರ್ಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬೇಕು ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸದರು ಈಗ ನಾನು ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರ BJPಯ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೇ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರ ಮಾಜಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರೇ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ BJPಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಳ ನಾವು ನೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ತಾನೇ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡತಿಯರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೋದಿ ಕಿ ಪರಿವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಅಲಯನ್ಸು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಹಿಂದೆ ಏನೇನಾಯಿತು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಉನಾವ್ ಕತುವಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದರೆ ಕಿರುಕುಳ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ನಿರ್ಭಯ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಯಾರು ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೇ
ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಆ ಪಾಪ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಮುಖ ಸಹ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೇ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಮಹಿಳೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಓಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದಾರಲ್ಲ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಬಡವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಜೆಡ್ ಪಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಕೆಲವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಸಹಾಯ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು BJP ಅವರು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಲ್ವಾ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ JDS ಮತ್ತು BJP ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವ್ರೇನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನಾವು 50% ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನಲ್ಲೇ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರದೇ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸಹ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ನಿಮಗೆ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವಿದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಕ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮುಂದೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ಹೋದಾಗ ನಾವು ಇದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 20-30-50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ BJP ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಏನಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಮತ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೇಹಾ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ಆ ಘಟನೆನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ವು ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇತರ ಇದೆಯಂತೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚಿಂತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜರ್ಮನಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಅನುಮತಿ ಪಡಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಅಂದರೆ ವೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಈ ವೇಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಆಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾರದ ಹಿಂದೆನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸರ್ ಇದು ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮೋಟೊ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ देखिए ये सवाल आपको और हमें करने से पहले उम्मीद थी ये हो जाएगा इस गठबंधन को वो तुरंत तोड़ेंगे क्योंकि बेटी बचाओ का नारा है ना और यहाँ एक बेटी नहीं 1000 बेटियों के साथ गलत काम करने वाला एक आदमी है प्रधानमंत्री जी को तुरंत इस पे बयान देना चाहिए था अपना अलायंस तोड़ना चाहिए था और कर्नाटक की सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए था कि आपके द्वारा गठित SIT को भारत सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा क्यों क्योंकि अपराधी कर्नाटक भारत छोड़ चुका है और इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार की भी भूमिका आती है कि वो राज्य सरकार की मदद करे अपराधी को भारत और कर्नाटक और SIT पुलिस को सौंपने में मैं एक चीज फिर कह रही हूँ मामला बेहद गंभीर है मैं पूरे देश में आ रही हूँ बहुत से महिलाओं के प्रति अपराध सुनने में आए पर ये अपराध ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं नाबालिग बेटियों के भी बलात्कार हुए हैं अगर एक बेटी भी सामने आ गई जो हम अपील कर रहे हैं तो पोक्सो कानून के मुताबिक फांसी की सजा है और यहाँ ये होते हुए आप देखेंगे मैडम एक सवाल मेरा भी आपके साथ हाँ जी अगर कोई आम आदमी इस तरह का काम करता है तो अगर 800 वीडियोस की बात हो रही है यहाँ पर बिल्कुल तो पुलिस वो मोटर के सिलसिले में काम स्टार्ट करती है ऐसे कोई बड़े व्यक्ति का बेटा होना चाहे अच्छा कवच है मैंने अपना पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जवाब दिया आप थोड़ी देर आए दोबारा बताती हूँ बिल्कुल आपने ठीक कहा यहाँ खास नहीं खास से भी खास सिटिंग सांसद है दो प्रधानमंत्री एक पूर्व है और एक प्रेजेंट है दोनों का समर्थन उनके घर से पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं उनके पिताजी पूर्व मंत्री और MLA है So, ये खास से भी खास है इसलिए इस खास के से भी खास मामले में खास से खास सजा होनी एक उदाहरण देश के सामने रखना कि देश का कानून एक आम गरीब पीड़ित विक्टिम जिसके साथ कोई नहीं है दूसरी तरफ सत्ता है धन है बल है प्रधानमंत्री गृह मंत्री सब है लेकिन कानून न्याय करेगा और हमारी 1000 बेटियों को न्याय मिलेगा ये होते हुए आप कर्नाटक की धरती पर देखेंगे मैडम जो SIT का गठन हुआ है क्या ये लॉजिकल एंड तक चलेंगे या स्टार्ट होगा फिर बीच में रुक जाएगा हमने देखा नहीं कैसे केसों में कोई एंड तक कोई जाता है कि वो सजा हो देखिए ये आपका जो एक्सपीरियंस और अनुभव है कि अंजाम तक नहीं पहुंचते SIT बिठाते हैं खाना पूर्ति होती है ये आपके अनुभव भाजपा की सरकारों में रहे होंगे लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है मैडम
100% सॉरी नहीं नहीं, देखिए मकसद है न्याय हो, हमारी लड़ाई न्याय का हक मिलने तक, हर विक्टिम पीड़िता को न्याय मिलने तक, अपराधी को सजा मिलने तक जारी रहेगी। अगर एसआईटी से ही आपको आपका ये सवाल है नहीं हुआ तो उससे एक कदम और आगे भी जाना होगा, तो हम जाएंगे। हमारा मकसद है न्याय हो, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा खासतौर से इस मामले में मिले, और देश के बड़े नेता सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अपनी जो है महिला आयोग की अपनी चुप्पी तोड़े, गठबंधन तोड़े और खुद मदद करे सरकार की अपराधी को देश में लाकर सलाखों के पीछे भेजकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में। ये भी मैंने जवाब दिया कि विक्टिम अपराधी जो है, जो सूचना जानकारी है, देश छोड़ चुका है। अब आपने सही कहा, अब इसमें जो मामला है कर्नाटक की चार दीवारी से राज्य से बाहर जाकर, देश से भी बाहर जाकर जर्मनी तक बात आ रही है, इसीलिए हमने कहा प्रधानमंत्री जी को, अपने विदेश फॉरेन मंत्री को तुरंत आदेश देना चाहिए कि वो जर्मनी की सरकार से बात करे, भारत सरकार को जर्मनी की सरकार से बात करनी होगी, और हम देखेंगे कि ये बात होती है या बात नहीं होती है, और अगर बात होगी तो ये भरोसा है कि अपराधी भारत वापस करेगा और कर्नाटक की जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये इम्तिहान है केंद्र की भाजपा सरकार मोदी जी का, बेटी बचाओ का नारा देते हैं या इस बार भी हर बार की तरह अपराधी बचाने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। हाँ जी, नहीं देखिए, अभी एसआईटी ने अभी अपना काम शुरू ही किया है, अभी स्वाभाविक है जो वीडियो है 3000 से ऊपर उनकी जांच होगी, 1000 से अधिक विक्टिम है उन्हें सामने लाने की हमने अपील किया, आएंगी तो मामला जल्दी आगे बढ़ेगा, और एसआईटी मुझे लग रहा है अपने आप में, क्योंकि सरकार का पूरा सपोर्ट है, कहीं पे भी उनको कोई मदद चाहिए होगी जर्मनी तक जाने में, हम लोग उनकी मदद सरकार करेगी, मुख्यमंत्री हमारी इस पे पूरा भरोसा है, कहीं कोई अड़चन आई, रुकावट आई तो वो केंद्र सरकार के स्तर पर आएगी कि जर्मनी की सरकार से बात करने में अगर वो देरी ना करे तो ये मामला जल्द आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है एसआईटी अपने आप में पूरी तरह सक्षम है इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ಸರ್ ಏನೇನು ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗಿದೆಯೋ, ನಾನು ಏನೇನು ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಒಂದು SIT ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. SIT ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಇದನ್ನು ಸಹ SIT 100% ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ FIR ದಾಖಲೆ ಆಗಿರೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್, ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. मैं आपके जवाब दूंगी. आपने कहा प्रज्वल अपराधी जो है आरोप लगे गंभीर, देश छोड़ गया. आई नो वो भाग चुका है, लेकिन उसके पिताजी जो पूर्व मंत्री विधायक है उनपे भी वही आरोप है कि पिता बेटे ने मिलकर ये अपराध किया है. आपका जो सवाल है वो पूरे कर्नाटक का सवाल है, स्वाभाविक है एक विक्टिम आगे आकर
FIR भी की है, उसने भी आरोप लगाए हैं। पुलिस इसमें जल्द कार्रवाई करे और अरेस्ट करे जो उनके पिता पूर्व मंत्री विधायक यहाँ उपस्थित है। और मुझे पूरी उम्मीद है पुलिस बिना, क्योंकि भाजपा की सरकारों में दबाव होता है, साक्षी मलिक की FIR दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ नहीं की। साक्षी मलिक को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब ब्रजभूषण के खिलाफ FIR हुई। भाजपा के मिनिस्टर का नाम है हरियाणा के संदीप सिंह, FIR हरियाणा पुलिस ने नहीं की, आदेश हुआ हाईकोर्ट का हुई। हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं FIR कराने में हमारी स्टेट महिला कमीशन ने खुद सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है, SIT गठन हो चुका है, एक विक्टिम आगे आ गई है। जैसे ही हजारों विक्टिम आएंगी FIR का दौर शुरू होगा, जांच शुरू होगी, किसी को बचकर नहीं जाने देंगे। आपकी बात ठीक है कि जो HD रेवन्ना उनके पिता जो है उनका अरेस्ट होना चाहिए। मैं फिर कहूंगी मुख्यमंत्री जी से, पिता बेटे की तरह भाग ना जाए, प्रधानमंत्री जी से कहूंगी, विदेश मंत्रालय से उनका पासपोर्ट तुरंत अभी जब्त कर लिया जाए, हर इमिग्रेशन पॉइंट्स पे सूचना को दे दिया जाए कि ये देश छोड़ने में कामयाब ना हो सके। अगर ये देश छोड़ने में कामयाब होते हैं, अगर इमिग्रेशन पॉइंट्स पे खबर नहीं, सूचना पहुंचती, पासपोर्ट जब्त नहीं करती सरकार, तो मान लीजिएगा उन्हें और इन्हें भगाने में, बचाने में केंद्र की भाजपा सरकार मोदी जी का पूरा हाथ है। मतलब 24 आ गया है, 24 घंटे हो गया FIR हो गया, अभी तक आरोप को कांग्रेस किसी से नहीं डरती है। जो डरते थे वो आज एक साथ आ चुके हैं, आज जो डरे हुए हैं वो एक साथ आ चुके हैं। जो पहले डरे थे कर्नाटक की जनता ने उन्हें घर बिठा दिया, अब जो दिल्ली में बैठा डरा हुआ है वो भी घर बैठने जा रहा है। हम डरे होते तो हमारी स्टेट वुमेन कमीशन या हमारी सरकार SIT ना बिठाती। पहली FIR हो गई, किसी कोर्ट के कहने से नहीं हुई है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ हो। और हम इस चीज को लेकर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी स्तर पे भी जितनी हमारी बहने विक्टिम्स हैं उन्हें हम अपील कर रहे हैं, आप सामने आइए, हम सब, हमारी सरकार, हमारा तंत्र, पुलिस प्रशासन आपकी मदद करने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए हम सब आपके सामने हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद था, 1000 विक्टिम तक अपनी आवाज को पहुंचाना और उनमें ये विश्वास होना कि हाँ अब बस बहुत, अब मेरा साथ देने के लिए पूरी महिला कांग्रेस, पूरी सरकार आ चुकी है। और मुझे उम्मीद है अब अभी एक FIR हुई है, आने वाले दिनों में हजारों FIR होंगी और हम उसको देखेंगे कि वो हो कार्रवाई को। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, व्यक्तिगत मामला कहकर आप पल्ला झाड़ रहे हैं। ये व्यक्तिगत मामला घर की चार दीवारी के अंदर अगर किसी महिला से हुआ होता हम समझ सकते थे, ये कर्नाटक की 1000 बहनों और बेटियों के साथ हुआ है, इससे याद का निजी मामला हो सकता है, तो ये कर्नाटक के लोगों के लिए भी निजी मामला है और हम लड़ेंगे। धन्यवाद। मीटिंग कहाँ करेंगे, मीटिंग क्या करेंगे, क्या होता है, ಮಾಧ್ಯಮ ಸನ್ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೊಲೀಸ್ ಹಕ್ಕು ಬ್ಯಾಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, SIT ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಕಾಲಂಬ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಮ್ ಲಡೆಂಗೆ ಜೀತೆಂಗೆ, ಹಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪಿಸಸ್ತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸನ್ಮಿತ್ರ